हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग एक WooCommerce साइट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए जो भी चीज़ें हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी, कुछ प्रोडक्ट हम लोग अगर ऐड करेंगे अमेजोन से, उसके भी सारी की सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। ओके, तो हम लोगों ने पहले चलेंगे हमारी जो वर्डप्रेस के साइट के अंदर एडमिन पैनल के अंदर और उसे लॉग इन करेंगे अभी। ओके, जैसे ही लॉग इन करेंगे यहाँ पर हम लोग हमारी वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रही हमारा जो डैशबोर्ड रही। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, हमारी जो मतलब साइट के अंदर WooCommerce साइट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक प्लॉगिन ऐड करेंगे जो कि है WooCommerce। ओके, WooCommerce ऐड करें, यहाँ पे आपको इंस्टॉल देखने को मिल जाएगी और आपको सिंपल चीज़ करना पड़ेगा, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होने लगेगी, कुछ देर के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो प्लगइन है ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है। सिंपल यहाँ पे आपको एक्टिव के बटन पर क्लिक करना है पड़ेगा। तो जैसे ही एक्टिव के ऊपर क्लिक करोगी आपकी जो WooCommerce है ना वो मतलब एक्टिव हो जाएगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो WooCommerce है ना प्लगइन है ऑलरेडी मतलब एक्टिव हो चुकी है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, जैसे एलिमेंटर मार्केटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, बट यहाँ पे आपको कुछ कस्टमाइजेशन मतलब करने के लिए बोल रहा है। देखो मैं बता दूँ, अगर आपको मतलब अमेजन फ्लिपकार्ट जैसे साइट्स अगर आपको प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपको नहीं डालना है। अगर आप खुद की अगर बिजनेस है, आप अगर खुद की प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो यहाँ पे आपकी जो एड्रेस वगैरह यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर चलेंगे तो उसके लिए मैं उसे मतलब स्किप कर लेता हूँ। ओके, उसका कोई ज़रूरत नहीं हमें अभी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर और थीम में, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर मैं थीम पे आपको दिखा दूँ तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रो को ऐड करी है हमारी साइट के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, हम लोगों ने हालांकि ये जो सारी चीज़ें हैं मतलब ये जो सारे मतलब थीम्स वगैरह है ना, टेम्पलेट वगैरह है जो कि ऑलरेडी मतलब डिज़ाइन ये है ना, वो चीज़ अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट भी मिल जाएगी। उस टेम्पलेट को आप डायरेक्टली आपकी साइट के अंदर इम्पोर्ट करो और ईजीली आप साइट को रन कर सकते हो। बट मैं आज आपको जो दिखाने जा रहा हूँ आप कैसे मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो एलिमेंट के थ्रू या थ्राइव आर्किटेक्ट के थ्रू, जो भी आपको अच्छे लगते हो वो यूज़ करो। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग हमारे जो WooCommerce साइट के अंदर होम पेज के अंदर चलें, यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग एक WooCommerce साइट क्रिएट करेंगे, ई-कॉमर्स साइट नहीं। अगर हम लोग ई-कॉमर्स साइट क्रिएट करेंगे तो हम लोग WooCommerce के अंदर हमारे जो लोकेशन या जो भी कुछ चीज़ें होती है वो सब डालेंगे, बट हम लोग यहाँ पे WooCommerce साइट क्रिएट करेंगे जो कि एफिलिएट प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे साइट के अंदर ऐड करेंगे। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे कुछ भी मतलब हमारे जो लोकेशन वगैरह या पिन कोड हमारे जो नेम वगैरह वो कुछ हम लोग को ऐड करना ज़रूरी नहीं है। ओके, तो सिंपल आपको वो चीज़ स्टेप जो है ना स्किप कर देना पड़ेगा। जैसे स्किप करोगे तो यहाँ पे आप आ जाओगे इस सेक्शन के अंदर। तो बेसिकली आप लोग जाओगे यहाँ पे अपीयरेंस आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही अपीयरेंस के अंदर क्लिक करोगे यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है। हम लोगों ने एक्स्ट्रा मतलब प्रो एडन की यूज़ करी है तो इसलिए ये आ रहा है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रो मतलब एक्स्ट्रा प्रो थीम को यूज़ करी है ना, तो अभी उसकी जो साइट की मतलब लुक यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगी जो कि एक्स्ट्रा प्रो की मतलब थीम यहाँ पे हम लोगों ने ऐड करी है। बट हम लोग एक्स्ट्रा प्रो की अभी थीम को तो यूज़ करें, बट हम लोग WooCommerce साइट मतलब क्रिएट करने वाले हैं जो कि है हम लोग एफिलिएट प्रोडक्ट वहाँ पे डालेंगे अमेजन से लाके। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग ये जो चीज़ें हैं ना एक्टिवेट कर सकते हो। तो उससे पहले यहाँ पे दिखने को मिल जाएगी ये जो स्टार्टर टेम्पलेट, तो उसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। हम लोग एक मतलब हमारी जो एफिलिएट साइट के लिए WooCommerce साइट के लिए एक टेम्पलेट चूज़ करेंगे, उसके बाद उसे यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके,
यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने अपीयरेंस के अंदर आया, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टर टेम्पलेट्स, यहाँ पे ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स वगैरह टेम्पलेट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली जो भी मतलब टेम्पलेट आपको अच्छी लगती है वो टेम्पलेट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग बेसिकली मतलब फ्लेट फ्लेट प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक वो कॉमर्स साइट जैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, तो हम लोग प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसके लिए ये जो टेम्पलेट है ना ऑर्गेनिक स्टोर नहीं, तो यहाँ पे आप लोग ब्रांड स्टोर को आप ले सकते हो, जो कि उसकी लुकिंग और उस साइट की जो मतलब क्वालिटी जैसे अच्छी दिख रही है। जो भी चीज़ें आप लेना चाहो उसे आप प्रीव्यू भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको आपकी जो प्रोडक्ट वगैरह अगर आप ऐड करना चाहो तो यहाँ पे इजीली आप ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे उसकी जो होम पेज रह गया, उसकी अबाउट सेक्शन रह गया, और उसकी जो कॉन्टैक्ट सेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरह आपको मतलब उसकी प्रीव्यू देखने को मिल जाएगी। ओके, तो जो भी मतलब टेम्पलेट आपको अच्छी लगती होगी वही टेम्पलेट आपको यहाँ पे ले लेना। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप लोग मतलब इम्पोर्ट कंप्लीट साइट को यहाँ पे ऐड क्लिक करोगी। जैसे ही क्लिक करोगी तो यहाँ पे और सक्सेसफुली एक्टिवेटेड इस तरह की आपको मतलब ये सारी की सारी चीज़ें खुद भी खुद ये इंस्टॉल होने लगेगा। तो हम लोग थोड़ी सी वेट करते हैं, जैसे कि ये मतलब सारी की सारी चीज़ें मतलब इंस्टॉल हो जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी, तब हम लोग उसकी जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे जो। ओके, तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप। जो ये कंप्लीट जैसे हो जाएगी हमारे जो मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने ऐड करी इंपोर्ट की जो प्रोसेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे देखो परसेंटेज यहाँ पे चल रही है 50% ऑलरेडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो साइट है पूरी पूरी इंपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पे उसकी जो मतलब प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, ये देखो उसकी जो प्रीव्यू, जो भी टेम्पलेट हम लोगों ने उसके अंदर चूज़ करी थी वही सेम टेम्पलेट, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे देखो फोटो क्रेडिट अगर भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये हम लोगों ने प्रीमियम चीज़ यूज कर रहे हैं। ओके, अगर अभी तक आप अपने जो हमारा जो एक्स्ट्रा प्रो की जो एडन थीम की जो एडन आप लोगों ने नहीं ली है, तो जाके वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, जाके वीडियो वॉच करके आप ले सकते हो। वीडियो की लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पर पड़ी हुई है, जाके जल्द से चेकआउट करके वो ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये सब चीज़ हटा के हमारी जो मतलब हमारे प्रोडक्ट को कैसे इंपोर्ट करना है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको डॉलर की सिंबल आ रहा होगा, तो आपको सिंपल आपकी इंडियन करेंसी की सिंबल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आपको जो अगर ये डॉलर सिंबल को अगर आप इंडियन करेंसी के अंदर चेंज करना चाहो तो आपको सिंपल जाना पड़ेगा वूकॉमर्स के अंदर। जैसे वूकॉमर्स के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग के अंदर ये जो करेंसी की सिंबल मतलब यहाँ पे करेंसी दिख रहे हैं ना, बस यहाँ पे यूएस डॉलर है, तो यहाँ पे आपको सिंपल इंडियन डॉलर मतलब इंडियन करेंसी को ऐड सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे इंडियन रुपीज़ है। ओके, इंडोनेशिया इंडियन रुपीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे सिलेक्ट करो यहाँ पे सेव चेंज के ऊपर क्लिक करो। ओके, तो ये जो है ना आपकी सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि मतलब जो भी मतलब हम लोगों ने यहाँ पे हमारा जो सिंबल था ना अभी इंडियन करेंसी के अंदर चेंज हो चुके। तो इस तरह आप अपनी जो साइट में जो भी साइट होगी आपकी, अगर आपकी इंडियन हो या पाकिस्तान हो या जो भी आपकी कंट्री हो, उसी हिसाब से अगर आपकी जो मतलब चेंज करना चाहो तो आपकी करेंसी को, तो यहाँ पे आके आप जो है ना चेंज कर सकते हो। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो मतलब साइट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे हमारी जो करेंसी को चेंज करा। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे साइट के अंदर हम लोग लॉगो वगैरह ऐड करेंगे, उसके साथ यहाँ पे जो इमेज वगैरह अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद हम लोग ये जो प्रोडक्ट वगैरह को ऐड करेंगे उसके लिए मैं आप लोग को एक प्लॉगिन दूंगा। ओके, उसकी मदद से आप लोग ये जो सारी की सारी मतलब प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर सकते हो ऑटोमेटिकली। अगर आप खुद से प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट है, कुछ बुक्स वगैरह अगर आप बेचना चाहते हो या कुछ प्लगइन्स हो थीम्स हो
या कुछ सर्विस बेचना चाहते हो आप ऑनलाइन से, तो उसको कैसे मतलब कस्टमाइज करना होगा, उसे कैसे आप कर सकते हो, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। तो बेसिकली ये जो थीम है यहाँ पे, जो सारी की सारी चीज़ें हैं, आप उसे कैसे कस्टमाइज़ करोगे, तो बेसिक सिंपल चीज़ें ही यहाँ पे आपको एडिट द पेज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही एडिट द पेज के ऊपर क्लिक करोगे, आप एडिट विथ एलिमेंटर के थ्रू कर सकते हो, पेज को कस्टमाइज़ करेंगे जो कि बेटर होगा हमारे लिए। तो उसके लिए हम लोग को प्रीमियम चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, वो प्रीमियम को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, जो कि हम लोग को बेटर क्वालिटी मिलेगी। ओके, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे प्रो में, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिया गया है। ओके, जो भी चीज़ अगर हम लोग को चाहिए अभी तो हो जाएगी, बट जब भी प्रीमियम यानी मतलब प्रो की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। ओके, पे जो भी चीज़ें कस्टमाइज़ करना चाहो यहाँ पे बहुत इजी से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये प्रोडक्ट वगैरह हम लोग बाद में ऐड करेंगे, बट यहाँ पे जो भी चीज़ें अगर कस्टमाइज़ करना चाहो तो वेरी इजीली आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे जो मतलब फुटर की चीज़ें हैं ना, अगर कस्टमाइज़ करना चाहो तो उसके भी मतलब कस्टमाइज़ हम लोग करेंगे। ओके, ये मतलब एलिमेंटर के थ्रू ये नहीं हो सकता, बट अभी हम लोग जो भी चीज़ें अगर कस्टमाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे मतलब इस तरह से कुछ है, यहाँ पे रनिंग ऑफर फॉर हॉट समर यहाँ पे दिया गया है, और 20% ऑफ ऑल प्रोडक्ट यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे देखो, तो मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि जब भी मैं थ्राइव आर्किटेक्ट यूज़ कर रहा था, तभी कस्टमाइज़ के अंदर मैं आपको ये बताया था, जो भी चीज़ें थ्राइव आर्किटेक्ट में आप यूज़ कर सकते हो, बेसिकली इसके अंदर आप जो भी कुछ लिखना चाहो तो इधर ही लिख सकते हो। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक मतलब बोर्ड मिलती है जो कि आप इधर लिखोगी यहाँ पे मतलब शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं रनिंग ऑफर फॉर, रनिंग ऑफर यहाँ पे रख लेते हैं रनिंग ऑफर रनिंग फेस्टिव ऑफर यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे देखो 25% ऑफ ऑल प्रोडक्ट, तो ऐसे आप रख सकते हो। यहाँ पे शॉप नाउ और फाइंड मोर, ये दो बटन को आप यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत मतलब बढ़िया चीज़ें हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो है ना, अगर इसे चाहो आप डिलीट भी कर सकते हो, आपको मतलब ये ज़रूरत नहीं होती है ना, तो आप इसे डिलीट कर सकते हो। अगर आप कुछ भी ब्रांड वगैरह आपके पास है तो उसको यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो इजीली। तो मेरे पास ऑलरेडी ये सारी सारी चीज़ें है ही नहीं, तो मैं काम करता हूँ इसे डिलीट कर देता हूँ, तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्रॉस एक मिल जाएगी, बस उसे डिलीट करो। ओके, यहाँ पे आपको डिलीट करना पड़ेगा। ओके, इधर नहीं होगा। ओके, ये हो गया। तो जैसे ही डिलीट करोगी यहाँ पे आपसे मतलब आपकी जो डैशबोर्ड से ये हट जाएगी। और एक बात, यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा तो इमेज वगैरह है ही नहीं, बट अभी जो हम लोग कस्टमाइज वगैरह, देखो इजी कितना इजी है ना, कि जिस प्रोडक्ट के हिसाब से आप साइट बना रहे हो ना, उस प्रोडक्ट के हिसाब से आप जो है ना इस चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली हम लोग भी एक इस तरह की एक साइट बनाएंगे, जो कि हम लोग को मतलब इस तरह की एसेसरीज वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो बेस्ट है, अगर आप कुछ ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, बट मैं ये चीज़ को मैं यहाँ पे नहीं रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे उसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, देखो बेसिकली इसके ऊपर क्लिक करो, एडिट के ऊपर क्लिक करो, और इससे यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हो। ओके, जैसे डिलीट करोगे यहाँ पे थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, बस यहाँ पे भी इस तरह अगर इससे भी डिलीट करना चाहो तो कर सकते हो। और ये देखो हो गया, और इसे अपडेट कर दो, जो कि और जैसे ही अपडेट करोगी आपकी मतलब सेव हो जाएगी, है ना। और इसको भी अगर मतलब एडिट करना चाहो यहाँ पे आप जाओ इस तरह से उसे कट कर सकते हो। हो गया, यहाँ पे आप यहाँ पे बटन जो भी दिया गया है ना, आप उसे कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हो। शॉप नाउ वगैरह है, चेकआउट वगैरह है, ये जो है ना हमारे साइट के लिए सूटेबल है। हम लोग भी इस तरह से फुटवेयर्स मतलब शूज़ और जीन्स वगैरह हम लोग एसेसरीज वगैरह यहाँ पे ऐड करेंगे, बट अगर आपकी डिजिटल प्रोडक्ट जो भी हो अगर आप ऐड करना चाहो तो आप खुद से मतलब इमेज वगैरह क्रिएट कर सकते हो। और जैसे ही इमेज वगैरह आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आप
एक्स मतलब उसे रिप्लेस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ना एड मीडिया, मतलब यहाँ पे आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। ओके देखो, इसे चाहे तो यहाँ पे इजीली जो भी चीज़ें करना चाहो तो इजीली कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको नहीं कर पाओगे। देखो कोई भी दिक्कत आती है तो आप नीचे बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, नहीं तो आप, अगर आप लोगों ने हमारी इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं की है जाके जल्दी से फॉलो करो, जो भी आपकी क्वेरी होगी तो मैं वहीं पे आपको जो क्वेरी होगी मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो इंस्टाग्राम बेटर रहेगी। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो जो कि आपको मतलब एडवांस चीज़ें उधर ही मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग जो भी चेंज करना चाहो बेसिकली चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चेंज कर चुकी हूँ, जो कि नीचे की लाइन जो था ना उसे मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुकी हूँ। यहाँ पे शॉप नाउ अभी मैं मतलब कुछ नहीं करूँगा, जो कि देखो यहाँ पे शॉप नाउ की जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है ना, बस यहाँ पे अगर आप लिंक ऐड करना चाहो तो कैसे लिंक ऐड करोगे। मान लो मैं एक यहाँ पे लिंक ऐड करता हूँ, मतलब मेरी साइट की अगर लिंक ऐड करता हूँ ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आपको सिंपल हज को, हज के अंदर यहाँ पे आपकी जो साइट की लिंक यहाँ पे ऐड करना है, या जो भी प्रोडक्ट मतलब कैटेगरी की, जो कैटेगरी जो भी होगा यहाँ पे, अगर मान लो कुछ ऐड करते हो मतलब एसेसरीज वगैरह ऐड करते हो ना, तो अगर शॉप नाउ बटन यहाँ पे ऐड करना चाहो तो बेसिकली आपको सिंपल ये चीज़ करना पड़ेगा। बस जाना पड़ेगा मतलब वही पेज के अंदर, ओके वही कैटेगरी के अंदर, वही कैटेगरी के जो भी मतलब लिंक होगा यहाँ पे आपको लाके पेस्ट कर देना पड़ेगा। जैसे पेस्ट करोगी यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा। तो मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, अपडेट करने के बाद हम लोग जब भी उसे लाइव करेंगे उसके बाद उसे टेस्ट भी करेंगे। ओके, और यहाँ पे देखो फीचर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और जो कि देखो अगर मैं मान लो अगर इसको अगर मैं डिलीट करूँगा तो सिंपल चीज़ यहाँ पे मैंने कट करा और डिलीट हो गया, और ये चीज़ को आप रहने दो, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। क्योंकि यहाँ पे आपको अगर कोई भी साइट वगैरह यूज़ करते हो ना तो यहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें मतलब बेस्ट ऑफर, सिक्योर पेमेंट, ये तो चीज़ रहना चाहिए ना। अगर यहाँ पे अगर कुछ चेंज करना चाहो, ये जो चीज़ें वगैरह अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, यहाँ पे वेरी इजीली यहाँ पे अगर डिलीट करना चाहो तो कर सकते हो। देखो बेसिक से चीज़ें यहाँ पे आपको इजीली मतलब जो भी चीज़ करना चाहो कर सकते हो। देखो अगर आप कुछ ऐड करना चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, है ना। तो मैंने यहाँ पे वर्ल्ड वाइड शॉपिंग, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट ऑफर, सिक्योर पेमेंट, इस तरह की सारी चीज़ें मतलब ऐड कर दी। ओके, और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे अगर कुछ भी अगर आपको ऐड करना पड़े, अगर आपको कुछ मतलब एक चाहिए, मतलब एक सेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे आप बेसिक से चीज़ें ऐड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन अगर कोई भी बटन वगैरह हो, कोई भी अगर इमेज वगैरह, अगर कोई भी वीडियो वगैरह आप यूज़ करना चाहो तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे वीडियो को रखा, और यहाँ पे देखो आ गया उसका सेक्शन वगैरह आ गया, यूट्यूब वीडियो वगैरह यहाँ पे देखो आ रहा है। आपकी खुद की वीडियो यहाँ पे आपको लिंक आके पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं अपनी वीडियो अगर डालूँ तो यहाँ पे मैं आके मेरी वीडियो की लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, जैसे ही पेस्ट करूँगा तो मेरी ये जो है ना वीडियो यहाँ पे शो करने लगेगा। ओके, देखो यहाँ पे मैं एक मेरी वीडियो को यहाँ, वीडियो की जो लिंक है ना यहाँ पे लाया हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। जैसे ही पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए होगा जो कि है, यहाँ पे हमारा जो वीडियो है ना यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरह आप इजीली जो भी चीज़ें करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे कंप्लीट वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। ओके, तो बेसिक मतलब बहुत आसानी से आप कर सकते हो ये सारी की सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बताया था। और एक चीज़ यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह है, अगर आपके पास भीमियो है, डेली मोशन है, सेफ होस्टेड वीडियो है आपके पास, तो भी आप मतलब यहाँ पे डाल सकते हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप लोग यूट्यूब वीडियो डाल सकते हो, जो भी मतलब प्लेटफॉर्म में आपकी वीडियो है आप वहीं पे भी मतलब लिंक लेके यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपकी खुद की मतलब होस्टेड साइट के अंदर या फिर खुद की मतलब पीसी के अंदर है ना, तो भी यहाँ पे आप मतलब ऐड कर सकते हो वीडियो। यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया, सिंपल आप ऐड करोगे तो हो जाएगी। ओके, तो मेरी यहाँ पे मतलब यूट्यूब की वीडियो यहाँ पे है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे देखो, देखो ये वीडियो है ना, अगर कोई आपकी साइट के अंदर आती है, ओके
अगर ऑटो प्ले के ऊपर आप ऑन करते हो ना, तो ये ऑटोमेटिकली ये ऑन मतलब स्टार्ट होने लगेगा। ओके, ऑटोमेटिकली ये चालू होने लगेगा, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। ओके, सिंपल, देखो ऑटो प्ले, यहाँ पे ऑटो प्ले की ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही कोई बंदा आपकी साइट के अंदर विजिट करेगा ना, ये ऑटोमेटिकली वीडियो मतलब प्ले हो जाएगी। देखो जैसे ही मैं ऑफ करा, तो ये मतलब ऑफ है के होके रह जाएगा। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे ये चालू होने लगेगा। ओके, तो मैं इसे ऑफ करता हूँ अभी। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो ये फीचर बहुत बढ़िया है। ओके, यहाँ पे म्यूट वगैरह, अगर आपकी मतलब वीडियो की जो है ना साउंड को अगर म्यूट करना रखना चाहते हो तो कर सकते हो, लूप वगैरह यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो बेसिकली आप उसे ऐड करके सेव और यहाँ पे अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना सेव हो जाएगी। तो बस आपको इधर से निकल के आ जाना है आपकी डैशबोर्ड के अंदर। तो जैसे ही आओगी ना, तो अभी आप लोग की जो साइट के अंदर अगर आप जाते हो ना, तो आप आपकी जो साइट की लुक यहाँ पे देख सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो ये जो इमेज वगैरह है, अगर आपके पास इमेज है ना, आप उसे यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं यहाँ पे लोगो को अभी चेंज करूँगा, तो कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, तो जैसे मैं कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे कुछ कुछ हम लोग चेंज कर पाएंगे। फेव आइकॉन अगर आप चेंज करना चाहो तो भी कर सकते हो। ओके, जो भी चीज़ है अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये प्रीमियम थीम है, यहाँ पे ग्लोबल कलर वगैरह अगर चेंज करना चाहो कर सकते हो। ओके, अभी हम लोग हेडर सेक्शन पे जाएंगे, साइट आइडेंटिटी। यहाँ पे आपको देखो एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे आपको ये देखो लोगो यहाँ पे वगैरह देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे चेंज लोगो के ऊपर क्लिक करो। जैसे चेंज लोगो के ऊपर क्लिक करते हो, जो भी मतलब आपको लोगो वगैरह आपके पास ऑलरेडी है ना, उसको अगर आपकी साइट के अंदर लगाना चाहते हो तो इस तरह से आप लगा सकते हो। यहाँ पे ये अपडेट हो रहा है, देखो ये जो है हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करा, हमारे लोगों को यहाँ पे आ चुकी है। ये मैं आपको डेमो के लिए, डेमो पर्पज़ के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आपकी जो भी लोगो होगा, आपकी साइट की जो लोगो होगा, यहाँ पे आप इजीली ऐड कर सकते हो इस तरह, है ना। तो जैसे ही यहाँ पे ऐड करोगे, सिंपल यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक करो। जैसे ही पब्लिश करोगी ये ऑटोमेटिकली मतलब सेव हो जाएगी। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं मतलब साइट के अंदर चलता हूँ ना, तो आपको यहाँ पे देखो लोगो देखने को मिलेगी। सारी की सारी चीज़ें जो भी हम लोगों ने करा था, वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, अभी बहुत मतलब अच्छी लग रही है। और ये प्रोडक्ट वगैरह को इंपोर्ट करने के लिए हम एक प्लगइन वगैरह यूज़ करेंगे। तो उससे पहले ये देखो हमारा जो वीडियो यहाँ पे आ गया है, उसके बाद हम लोगों ने और एक चीज़ यहाँ पे चेंज करे थे, जो कि है ये जो सॉफ्ट की बटन। तो जैसे मैंने सॉफ्ट की बटन के ऊपर क्लिक करा, तो ये हमारी जो साइट के ऊपर आ जाना चाहिए, देखो। ओके, जो भी लिंक आप ऐड करो तो ये ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा, तो इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और यहाँ पे हम लोग अभी यूज़ करेंगे हमारी एक पावरफुल प्लगइन, जिसकी मदद से हम लोग इंपोर्ट करेंगे हमारी जो प्रोडक्ट वगैरह को इंपोर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, सारी की सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग और एक वीडियो लेते हैं, जो कि कंप्लीट वीडियो होगा। सारी की सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जो कि आप कैसे वो फ्रॉड मतलब कौन सी प्लगइन है, कैसे आप यूज़ करोगी और किस तरह ये जो सारी की सारी चीज़ें कस्टमाइज़ करोगी। अगर आप इसमें कोई अगर चेंजेस अगर करना चाहते हो, अगर इमेज वगैरह इसको अगर रिमूव करना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर आपसे हो जाती है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं होती है तो बस कमेंट करो, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँगा। और इमेज वगैरह को चेंज करना है तो भाई मैं कर दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। ओके, देखो कम्प्लीटली जो साइड है ना हमारी, बहुत अच्छी लुकिंग आ रही है। अगर हम लोग चाहते हैं उस फोटो को मतलब एडिट करना, तो एडिट कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपल चीज़ आपको करना पड़ेगा, बस आपको डैशबोर्ड के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे ही डैशबोर्ड के अंदर जाओगे, यहाँ पे आपको अपीयरेंस के एक सेक्शन मिल जाएगी, जहाँ पे आपको थीम्स वगैरह जो कि चीज़ें हम लोग मतलब यहाँ पे कस्टमाइज़ करते हैं, थीम्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी।
बट यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी हेडर एंड फुटर की, जो ब्लॉक्स वगैरह को एडिट करने के लिए, तो उसके ऊपर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करो यहाँ पे आपको एक फुटर की सेक्शन देखने को मिल जाएगा। अगर ये सेक्शन को अगर डिलीट करते हो तो ये डिलीट भी हो जाएगी। मान लो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रांस करते हैं ना, ट्रांस करके देखते हैं क्या कुछ होता है या नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने उसे मतलब ट्रांस कर दिया, तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये फुटर क्या विजिबल हो रहा है या नहीं। अगर आपको वो फुटर चाहिए ना तो आप बिल्कुल भी ट्रांस मत करना, क्योंकि ये देखो ये जो फुटर है ना वो इनविजिबल हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगी। तो अगर आपको फुटर चाहिए ना तो सिंपल आपको ये मतलब फुटर को रखना पड़ेगा। ओके, तो मैं ये रिस्टोर कर देता हूँ अभी, और उसके अंदर हम लोग कस्टमाइज भी करना पड़ेगा हम लोगों को। तो मैं ये पहले मतलब रिस्टोर कर देता हूँ, और यहाँ पे ऑल के ऊपर चलता हूँ। यहाँ पे देखो एडिट, क्विक एडिट, व्यू, एडिट विथ एलिमेंटर। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ आपको करना पड़ेगा, एडिट विथ एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा आसान होगा। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, अगर कस्टमाइज करना चाहो तो एलिमेंटर मतलब फ्री वर्जन में आप कर सकते हो। अगर आपको प्रीमियम भी चाहिए ना, अगर ब्लॉक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, मतलब मैप्स वगैरह अगर ऐड करना चाहो तो आपको मतलब प्रीमियम भी चाहिए नहीं। देखो गूगल मैप वगैरह भी ऐड करना चाहो तो आपको प्रीमियम चाहिए भी नहीं। अगर बटन वगैरह यूज़ करना चाहो, स्पेस अगर देना चाहो, आइकन्स वगैरह अगर ऐड करना चाहो तो भी कर सकते हो। अगर आप लोग गूगल मैप वगैरह यूज़ करना चाहो तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। तो सिंपल अगर हम लोग फुटर को अगर एडिट करना चाहे तो सिंपल चीज़ आपको ये करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करा मैंने, यहाँ पे आपको देखो मतलब सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जिस चीज़ को अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, जो चीज़ को अगर हटाना चाहो तो हटा सकते हो। तो बेसिकली अगर क्विक लिंक्स वगैरह मतलब ऐड करना यहाँ पे रखना नहीं चाहते हो, सिंपल यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ों को आप डिलीट कर दो, आपकी ये डिलीट हो जाएगी। ओके, अगर फॉर मतलब फॉर हर, फॉर हीम, फॉर मतलब हीम, ये जो चीज़ है ना, अगर इस चीज़ को अगर आप डिलीट भी करना चाहो तो भी इजीली कर सकते हो। देखो यहाँ पे सिंपल चीज़ है। ओके, और कुछ भी नहीं यहाँ पे, लिंक्स वगैरह यहाँ पे मतलब देने के लिए बोल रही है। अगर आपके पास एप्लीकेशंस वगैरह है, अगर आपके पास वेबसाइट वगैरह है तो यहाँ पे आपको मतलब इमेज वगैरह ऐड कर सकते हो, और करके आपकी जो वेबसाइट लिंक हो या एप्लीकेशन लिंक हो यहाँ पे आप डाल सकते हो। ओके, बट मेरे पास अभी इसका कोई भी मतलब कुछ भी नहीं है, एप्लीकेशन वगैरह नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालूँगा अभी। अगर आपके पास है डेफिनेटली आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बहुत मतलब बेस्ट फीचर से आप उसे ऐड कर सकते हो। ओके, तो मैं बता दिया है आपको ये जो चीज़ आपको करना है, तो आप वेरी इजीली ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, तो मैं उसे अपडेट, अगर मतलब ये सारी की सारी चीज़ें करना है उसके बाद आप उसे अपडेट करो। जैसे ही अपडेट करोगी आपकी जो ये सेव हो जाएगी इजीली। ओके, तो बस अभी हम लोग को अगर मतलब हम लोग ऐड करना चाहें कुछ बट मतलब जो है ना मैप वगैरह अगर ऐड करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो गूगल मैप के ऊपर मैंने क्लिक करा। यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक करा मैंने, यहाँ से उठा, यहाँ पे आपको पेस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही पेस्ट करोगे ना तो आपके सामने जो गूगल मैप यहाँ पे आ जाएगी। ओके, अगर यहाँ पे देख सकते हो, अगर सेटेलाइट मतलब आपको सेटेलाइट वर्जन में दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, नहीं तो आप इस तरह से भी दिखाना चाहते हो रोड मैप जैसा इस तरह से, तो सिंपल अगर दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। आपकी लोकेशन यहाँ पे, आपकी जो लोकेशन होगी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, न्यू दिल्ली इंडिया। ओके, मैं न्यू दिल्ली इंडिया ऐड करा। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो मतलब लोकेशन जो है ना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, तो जैसे ही कोई बंदा अगर आपकी लोकेशन के अंदर जाना चाहेगा, लोकेशन तक जाना चाहेगा, बस सिंपल इस मतलब डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करेगा और ये ऑटोमेटिकली गूगल मैप के अंदर ले जाएगी। ओके, और जैसे ही ले जाएगी आप उसे सिंपल मतलब जा सकते हो। ओके, ये थोड़ी सी लोडिंग हो रही है देखो। ओके, मैं अभी हटा देता हूँ उसे। ओके, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ,
कुछ अगर और भी चीज़ यहाँ पे है तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, बटन्स वगैरह ऐड करना चाहो गूगल, अगर कुछ मतलब फॉर्म्स वगैरह ऐड करना चाहो तो यहाँ पे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करो। अगर आपके पास कोई भी मतलब फॉर्म है, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म या कोई भी स्पेसिफिक फॉर्म होगा आपने क्रिएट करी होगी, ओके, आप उसे चूज़ करो। सिंपल आपको चूज़ करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, अगर आपके पास है यहाँ पे चूज़ करो। सिंपल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी कॉन्टैक्ट अस फॉर्म यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो इस तरह आपकी साइट को मतलब एक अच्छी क्वालिटी साइट से कन्वर्ट कर सकते हो वेरी इजीली। बस जो भी चीज़ें मैं आपको बताना था अभी हो चुकी है। और कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट बॉक्स से जाके जल्दी से कमेंट करो, मैं आपकी जो भी क्वेरी होगा मैं आपकी क्वेरी की रिजल्व मतलब सॉल्व करूँगा। ओके, यहाँ पे देखो, अगर ये ब्लॉक अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ, मतलब बहुत ईजी चीज़ है ये जो है ना। ओके, ये हो गया ना, बस काम खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग जो है ना हमारी साइट के अंदर यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके भी मेरी जो साइट की जो जो भी हम लोगों ने चीज़ें चेंज करी है उस चीज़ को मैं आपको दिखा देता हूँ। आपकी जो मतलब आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये सही में काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे सेव हो चुकी है। सिंपल यहाँ पे हम लोगों ने मैप डाला, यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्टैक्टर्स फॉर्म ऐड करा। ओके, ये बेसिकली इसके बाद होना चाहिए था, ये जो मतलब ये मैप और कॉन्टैक्टर्स फॉर्म के बाद ये रहना चाहिए था। ओके, आप लोग सिंपली इस तरह की चीज़ें कर भी सकते हो, उसे ड्रैग करो यहाँ पे नीचे लाके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। ओके, हो गया ना, यहाँ पे ये हट चुकी है, बस उसे अपडेट करो। जैसे अपडेट करोगी ये सेव हो जाएगी। ओके, बस उसे अभी अगर मैं कस्टमाइज करना चाहता मतलब उसे रीलोड करता हूँ, जैसे रीलोड करूँगा तो आपके सामने आ जाएगी चीज़ें। उसे थोड़ी लोड होने देते हैं, उसके बाद उसके आउटपुट देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, बट यहाँ पे उसकी जो कॉपीराइट की फुटर की मतलब मार्क यहाँ पे रह गया, तो उसको भी यहाँ पे ड्रैग करो। सिंपल चीज़ है, आपको करना पड़ेगा ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। बस आ गया उसकी जो सेक्शन, बस यहीं पे आपको प्लेस कर देना है। जैसे प्लेस करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो वेरी इजीली ये हो जाएगी। तो अभी हम लोगों ने उसे सेव कर अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद यहाँ पे आप आके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ क्या वो नीचे गया है या नहीं, उसको भी हम लोग को देखना पड़ेगा ना। तो सारी की सारी चीज़ें जो भी चीज़ें करना चाहो यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो। उसकी जो मतलब प्रीमियम मतलब प्रो वर्जन है मेरे पास ऑलरेडी है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, मैं आपको इजीली दे सकता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं ऑलरेडी यहाँ पे डाल दूंगा मतलब वीडियो रिलीज होने से पहले, तो वो जाके जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन करो। और इंस्टाग्राम को अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं की है ना आपने तो जाके जल्द से जल्दी इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। ओके, तो ये हो गया। बस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फुटर क्रिएटिव यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे हमारा जो मतलब फुटर जो भी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने ऐड करा था वो आ रहा है। अगर आपकी यहाँ पे वेबसाइट हो या आपकी मतलब एक एप्लीकेशन वगैरह हो, अगर आप ऐड करना चाहो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म हम लोगों ने ऐड करा, हम लोगों ने मैप यहाँ पे ऐड करा, उसके बाद मतलब वीडियोस वगैरह ऐड करा, यूट्यूब वीडियोस वगैरह। और यहाँ पे जो चीज़ें बहुत मतलब एट्रैक्टिव करती है आपकी जो साइट को, हम लोगों ने ये जो चीज़ें ऐड करा। और एक चीज़, अगर आप चाहो तो अगर आपके पास इमेज वगैरह है तो यहाँ पे इस तरफ इस सेक्शन के तरफ आप ऐड कर सकते हो, मतलब पेपल पे मत पेपल हो गया, माइस्ट्रो कार्ड हो गया, वो जो कार्ड की जो मतलब चीज़ें होती है ना, कार्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो, बस आप कार्ड मतलब इमेज ऐड कर सकते हो। ओके, तो सिंपल चीज़, बाकी की जो चीज़ें बचा अभी हम लोग सिंपल ये चीज़ करना है, हमारे जो जो भी प्रोडक्ट होगी एफिलेट प्रोडक्ट होगी बस हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट साइट बन जाएगी हमारी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ये जो सारी कस्टमाइज के साथ हम लोग इस प्रोडक्ट को कैसे इंपोर्ट करेंगे, कौन सी प्लगइन हम लोग को यूज़ होगा, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और बताऊँगा भी, और कस्टमाइज करके भी मैं दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपकी ख्याल जरूर रखिएगा,
बाय बाय, टेक केयर।